जी हमारे पास क्वेश्चन क्या देखा है, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.01 ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एच ए देन पी के ए ऑफ एसिड इज क्या होगा, पी के ए की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जो आप देखो इक्वेशन हमारे एच ए वीक क्या है, एसिड है, तुम्हारा ये क्या देगा एच पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव। ठीक है, और हमारे यहाँ से एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम पे ये कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी वन माइनस अल्फा, ये हो जाएगा सी अल्फा, सी अल्फा प्रोड्यूस करेगा, तो हमारे यहाँ से के, अब देखो के ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस वन अल्फा, यानी कि यहाँ से कितना होगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, यहाँ से सी से एक कट गया, तो यानी कि जो हमारा के ए की वैल्यू कितना हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में वन माइनस अल्फा। ठीक है, अब अल्फा की जो वैल्यू है देखो 0.01 से कम है 0.05। ठीक है, तो कम है तो जो हमारा अल्फा इज क्या हो जाएगा, निग्लेजिबल, निग्लेजिबल किससे, विद रिस्पेक्ट टू वन। ठीक है, तो हमारा जो के ए की वैल्यू जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, और हमारा सी की वैल्यू कितना दे रखा है कंसंट्रेशन 0.1, और अल्फा की वैल्यू कितना दे रखा है 0.01 का होल स्क्वायर, तो हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा ये 10^-1 इंटू 10^-4 यानी कि 10^-5, और ये हमारा क्या आ गया के ए की वैल्यू, के ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 10^-5। ठीक है, तो हमारा अब देखो पी के ए इज इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग के ए। ठीक है, ये होता है, और हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस लॉग 10^-5, ये क्या है पी के के की वैल्यू है, पुट कर दी, जब इसको सॉल्व करेंगे होता है --5 यानी कि क्या हो जाएगा +5। हमारी ये क्या, हम यही क्या निकालना था पी के ए की वैल्यू फाइंड करना था, और यही हमें आ गया आंसर, हमें कितना आ गया 5 आंसर आ गया। अगर मैं ऑप्शन के साथ मैच करता हूँ अपना आंसर, तो कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, सी के साथ, तो सी हो गया करेक्ट आंसर।